दोस्तों आज गूगल ने लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड पी, और एंड्रॉयड पी लॉन्च करने के बाद ओरियो से ये किस तरह से अलग है और इसके अंदर क्या खासियत है और ये किसको कौन से डिवाइस में मिलेगा, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल अमित पांडे। तो दोस्तों पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड पी लॉन्च करने से गूगल कौन से डिवाइस में देगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास गूगल का पिक्सल है तो आपको ये एंड्रॉयड पी यूज़ करने को मिल सकता है। दूसरा, अगर आप डेवलपर्स हैं तो बीटा वर्जन में ये लॉन्च हुआ है और अगर आप इसे मैनुअली सेटिंग करेंगे तो एंड्रॉयड पी का फ़ायदा उठा सकते हैं। कहना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड पी से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एंड्रॉयड पी ओरियो के बाद आने वाला है। ऐसे भी बहुत सी डिवाइसेस में ओरियो का सिर्फ नाम आया है, लेकिन बहुत से डिवाइसेस में, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 98% डिवाइस जो एंड्रॉयड के हैं उसमें ओरियो पे काम नहीं होता है। मीन्स कि बहुत से डिवाइसेस में एंड्रॉयड का जो ओरियो वर्जन है वो अपग्रेड नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सी डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करता। अब आप समझ सकते हैं एंड्रॉयड जो है वो बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत ही, वो 5000 के मोबाइल से लेके 80000 के मोबाइल तक के सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से बहुत सी मोबाइल में वो अपग्रेड नहीं हो पाता है। पे मैं बात करना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड पी लॉन्च करने के पीछे क्या कारण है। 2018 में जैसा कि आप समझ सकते हैं बहुत से मोबाइलों में बहुत से बदलाव हुए हैं, डिज़ाइन में बहुत से बदलाव हुए हैं। अब थोड़ा सा डिज़ाइन अलग हुआ है। सबसे पहली बात करूँ डिज़ाइन में, तो नोच जो आईफोन 10 में देखने को आप मिलती है, जो पोर्शन आपको ब्लैक दिख रहा है इसे नोच कहते हैं। ये अभी बहुत सी पीट की जा रही है बहुत से अलग मैन्युफैक्चरर, मतलब कि जो स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने मोबाइलों में नोच ला रही हैं। तो सबसे पहले बात तो उसके हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए था, तो वो एक आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड पी में। दूसरा, एंड्रॉयड पी के साथ सिक्योरिटी पे काम किया जाएगा। मैं आप फिंगरप्रिंट, अगर आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है तो आपको फिंगरप्रिंट या जो भी सिक्योरिटी रीजन पासकोड ऐसे फीचर्स आपको दिए जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर या डेट या जो भी आपको नोटिफिकेशन एंड्रॉयड डिवाइसेस में मिल रहा है तो उसके हिसाब से डिज़ाइन चेंज की जाएगी क्योंकि नोच के हिसाब से वो चेंज हुआगा। नोटिफिकेशन पे खास एंड्रॉयड पी में ध्यान दिया गया। अगर आपका कोई ऐप है तो उसको आप अलग से नोटिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन चाहिए लेकिन आपको फेसबुक के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए और आपके दूसरी चीज़ों के नोटिफिकेशन चाहिए, तो इस तरीके नोटिफिकेशन में भी आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही वर्क किया गया। ऐसे भी गूगल मैप सबसे अच्छा यूज़ किया जाने वाला मैप है। तो गूगल मैप में जैसे कि हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं, बड़ी जगहों पे जाते हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से मकान हैं तो उस मकान में कौन सा मकान कौन से नंबर का है इतनी जानकारी अभी नहीं मिलती है। एंड्रॉयड पी के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की प्रिसाइज जो जानकारियाँ हैं वो गूगल मैप उसे भी ट्रेस करेगा। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड पी सपोर्ट करेगा। लॉन्च होने के बाद भी बहुत से मोबाइल में ये कन्फिगर नहीं करता है। गूगल का जो पिक्सल है उसके अंदर सपोर्ट करता है क्योंकि गूगल का पिक्सल गूगल के द्वारा ही बनाया गया है, तो उसको पहले ही सपोर्ट किया जाता है। दूसरे मैन्युफैक्चरर जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो बहुत बिकते हैं तो उसमें सपोर्ट में आने में देरी लगती है। इस तरीके की बहुत से जो अच्छे फीचर्स हैं वो एंड्रॉयड पी के द्वारा मिलेंगे, जो ओरियो से बहुत ही अपग्रेड वर्जन होगा और सिमिलर टू सम फीचर्स जो हैं वो आपको आईफोन 10 में और आईफोन के iOS 11 में जो मिलते हैं उस तरीके से होंगे। तो बहुत से अच्छे फीचर्स आने के लिए अब देखते हैं कि एंड्रॉयड पी सभी फ़ोन में कितना आता है। गूगल का कोई भी एंड्रॉयड लॉन्च होता है तो उसके नाम के पीछे चर्चा जरूर होती है। वो आइसक्रीम होगा, सैंडविच होगा या वड़ा पाव होगा, तो वैसे ही एंड्रॉयड पी है। तो अब एंड्रॉयड पी का नाम क्या रखते हैं, पास्ता रखते हैं कि पेपर फ्राई रखते हैं, जो भी मतलब है। वो एक लॉन्च होने के बाद जो अभी मार्केट में बहुत से फ़ोन आने लगे हैं जो 18:9 रेशियो मीन्स की बड़ी स्क्रीन और बॉडी रेशियो कम करके बड़ी स्क्रीन के जो फ़ोन आ रहे हैं, एक तरह से आप राउंड स्क्रीन भी कह सकते हैं क्योंकि पहले चौरस आते थे और अब राउंड स्क्रीन आने लगे, तो राउंड स्क्रीन में भी एंड्रॉयड पी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। और डिज़ाइन वाइज जो चीज़ें हैं, जो वीडियो हम देखते हैं या कोई ऐप उसके हिसाब से, तो डेवलपर्स को भी बहुत मदद होगी। अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और सब ठीक बा।